मध्य प्रदेश के अनूपपुर में फैक्स कर्मचारियों की वेतनमान और कैडर भर्ती की महापंचायत को लेकर सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया और विभागीय अधिकारियों ने वेतनमान और महापंचायत की घोषणा के बाद आंदोलन को स्थगित कर दिया था, लेकिन उसे निरस्त करते हुए नया आदेश भी जारी किया गया है। उसके बाद अचानक महापंचायत स्थगित कर दी गई, जिससे प्रदेश के पैक्स कर्मचारियों का करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है और कर्मचारियों की भावनाएं भी आहत हुई है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि शासन प्रशासन द्वारा पैक्स के तकरीबन 55,000 कर्मचारियों के साथ में धोखा किया गया है, जिस कारण से महासंघ को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर और चक्काजाम करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। ये जो है शासन को अंतिम चेतावनी देने के लिए, क्योंकि हमारा हड़ताल 16 अगस्त 2023 से प्रारंभ हुआ था जी। और 12 सितंबर 2023 को समाप्त कर दिया गया। उसमें हमारे विभाग के पैक्स के कर्मचारियों के लिए जो लंबित मांगे थी उसको पूरा करने के लिए पंचायत महापंचायत बुलाने का जो है आश्वासन दिया गया था। अच्छा। और मध्य प्रदेश शासन से आदेश भी कर दिया गया था। पहले 15 तारीख को महापंचायत के लिए डेटा जारी किया गया था, उसके बाद किन्हीं कारण से स्थगित किया गया। उसके बाद दूसरा जो है 23/9/2023 के लिए हमारी मांगों के मतलब महापंचायत बुलाई मांगों पूर्ति के लिए महापंचायत बुलाने के लिए जो है वो किया गया था, लेकिन आज दिनांक तक जो है ना महापंचायत बुलाया गया और हमारी ना मांगों कोई सुनवाई किया गया। इस कारण से हम शासन को अंतिम चेतावनी दे रहे हैं कि अगर